नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो इस विषय वीडियो का जो टॉपिक है वो यह है कि डीएपी और एसएसपी खाद में क्या हम जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, इन दोनों में जिंक मिला के हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। तो एसएसपी खाद यानी सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी खाद दोनों को में जिंक मिलाकर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे कि आप डीएपी और एसएसपी में जिंक डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, इसके क्या क्या नुकसान फायदे हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं धान की फसल में एसएसपी खाद यानी सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी, इन दोनों में जिंक मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमको समझ लेना चाहिए कि जो डीएपी है और एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी में भी फास्फेट पाई जाती है और जो सिंगल सुपर फास्फेट उसमें भी फास्फेट, और जो जिंक है और फास्फेट का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। पर किसान भाइयों, होता क्या है, यहाँ पे कंपनियाँ जिंक और सिंगल सुपर फास्फेट मिलाकर भी मार्केट में लेके आ रही, बेच रही हैं, पर इनका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट में अलग से जिंक मिलाकर अपनी धान की फसल में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको डीएपी और एसएसपी में जिंक का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो किसान भैया, अगर आप एसएसपी में सिंगल सुपर फास्फेट में या डीएपी में जिंक मिलाते हैं तो होता क्या है कि जिंक का और फास्फेट का कोई भी मेल नहीं है। जब इन दोनों को मिला देते हैं और अपने खेत में जब डालते हैं तो ये अच्छी तरह से हमारे खेत में चलते नहीं, अच्छी तरह से क्या चलते नहीं है। जब चलते नहीं है तो जो हमारी फास्फेट होती है ये हमारी जो जड़ को विकास करने के लिए दिए जाती है, तो जब ये जड़ तक पहुँचती नहीं है तो ये हमारे पौधे को मिलती नहीं। तो हम जब उसको अपने खेत में बिखेर देते हैं तो पौधे की जड़ तक जहाँ तक पहुँचती वहाँ तक तो वो ले लेती है, बाकी वो एक ही जगह पड़ी रहती है खेत में। पूरे में जिंक मिलाने के बाद सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो चलती नहीं है। जब चलती नहीं तो हमारे पौधे को मिलती नहीं है, और जब पौधे को नहीं मिलती तो उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। जहाँ जहाँ जड़ पहुँची वहाँ वहाँ तक वो ले लेगा, बाकी वो नहीं मिलेगी उसको। तो इसलिए जिंक और फास्फेट का तो कोई मेल ही नहीं, तो इसलिए सिंगल सुपर फास्फेट हो या डीएपी हो, इसमें आपको बिल्कुल भी जिंक का प्रयोग नहीं करना। और किसान भाई यहाँ पे जानकारी दे दे, अगर आपने धान रुपाई के समय डीएपी खाद का प्रयोग किया है तो आपको धान रुपाई के बाद सिंगल सुपर फास्फेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर बहुत सारे किसान भाई फिर भी उसका इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर डीएपी खाद का आपने प्रयोग किया है तो उसके बाद आपको सिंगल सुपर फास्फेट का कोई प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में यही आपको जानकारी दे रहा है कि आप कभी भी सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं या डीएपी डाल रहे हैं तो उसमें जिंक कभी भी मिलाकर किसान भाइयों ना डालें। होता क्या है कि जब भी आप जिंक मिलाकर सिंगल सुपर फास्फेट में या डीएपी में आप डालेंगे तो वो जड़ पे तो जाएगी नहीं, वो पत्तियों पे गिर जाएगी। तो पत्तियों पे होता क्या है कि वो जम जाएगी, तो जब पत्तियों पे जमेगी तो हमारे पत्तियों के द्वारा ही पौधे को बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो जब वो उनको छिपा लेगी तो वो जो पोषक तत्व उनको जो चाहिए वो पूरी तरह से पौधा ले नहीं पाएगा, पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, अच्छी ट्रेनिंग होगी। तो इसलिए सिंगल सुपर फास्फेट का अलग प्रयोग करें। अगर आप जिंक का प्रयोग करना चाहते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी डालने से 2 या 3 दिन पहले जिंक का प्रयोग करें, या जिंक का 2 या 3 दिन बाद प्रयोग करें, ऐसे आपको प्रयोग करना। तो आप जिंक अगर प्रयोग करना चाहते हैं स्प्रे माध्यम से या छिड़काव के माध्यम से, आप यूरिया में डाल के इसका प्रयोग पहले या बाद में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा जानकारी दी आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।